चित्तौड़गढ़ में 21 अगस्त अनुसूचित जाति जनजाति के भारत बंद आह्वान के चलते एससी एसटी महासभा के आह्वान पर चित्तौड़गढ़ में बंद शांतिपूर्ण रहा। समस्त एससी एसटी महासभा के साथियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, जिसमें हजारों की संख्या में एससी एसटी समाज जन उपस्थित थे और अपनी मांगों को राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। महासभा के संयोजक अशोक बैरवा एडवोकेट चमन मीणा ने बताया कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश एससी एसटी में उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर के सुझाव को खारिज करने के लिए भारत बंद के आह्वान पर चित्तौड़गढ़ में रामेश्वरम बैरवा कमल कुमार मीणा के नेतृत्व में बुधवार को प्रातः 11 बजे किला रोड प्रतिमा स्थल से रैली प्रारंभ हुई, जो बैंक ऑफ बड़ौदा होते हुए सुभाष चौक पहुंची। सुभाष चौक में महासभा के समस्त कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद रैली पुरानी पुलिया होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्ट्रेट पहुंचने पर महासभा के कार्यकर्ताओं को कई पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इसके पश्चात ज्ञापन सौंपा गया। समापन पर मुख्य संयोजक रामेश्वर बैरवा व कमल मीणा ने समस्त व्यापारिक संगठन पुलिस प्रशासन का धन्यवाद व्यक्त किया है। रैली में सभी समाजों के प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि, विद्यार्थी, कर्मचारियों ने भाग लिया है। रैली को सुरेश खोईवाल, नवरतन जी नगर, सुनील व्रजक, मनोज मीणा गंगरार, गणेश जाटोरिया, हंसराज सालवी आदि ने संबोधित किया है। रैली में समाज के छगनलाल चावला, एलएन परमार, कमलेश आमोरिया, पार्षद सुमित मीणा, शांतिलाल राठौर, चांदमल अमरिया, बहादुर बैरवा, मांगीलाल बैरवा सहित तमाम लोग प्रबुद्ध जन शामिल हुए। सभी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आज हम सब लोगों ने काफी हजारों की भीड़ में यहाँ प्रदर्शन किया, रैली निकाली और ज्ञापन सौंपा। किस तरह का निर्णय, क्या निर्णय था उसमें? क्या निर्णय है उसमें? देखिए, उसमें कोटे में कोटा उप वर्गीकरण है, ये हमारे लिए, बहुजन समाज के लिए बिल्कुल सही निर्णय नहीं है। और ऐसे एसटी समाज को दो भागों में बांटने का जो काम किया है, ये हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते और सहन नहीं कर सकते। अभी क्या मांगे रखी हैं? अभी हमारी जो मांगे हैं वो मुख्य मांगे हैं कि जो संविधान बना हुआ है बाबा साहब के द्वारा, उस संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और जो हमारा संविधान जो आरक्षण है उसको 9वीं सूची में रखा जाए, ये हमारी मांग है। इसके अलावा जितनी हमारी आबादी है एससी एसटी की, उतना आरक्षण हमें मिले, ये हमारी मांग है। और क्रिमिनल खत्म किया जाए, अन्यथा अगर ऐसा नहीं करने पर अगली बार अगर मांगे मान ली तो ठीक, नहीं तो इससे भी और जबरदस्त आंदोलन किया जाएगा। लेकिन सर, ये देखने में आया कि दलित वर्ग के कई वर्ग जो हैं वो आप लोगों के अधिकार की बात की जाए तो उन लोगों ने खुला विरोध किया है। देखिए, चित्तौड़गढ़ में कई जगह विरोध होता है कि सुप्रीम, माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें विभाजन करने का काम किया कि टुकड़ों में बटे, कोर्ट डालो राज करो, वो नीचे वंचित वर्ग को अधिकार नहीं क्या आगे बढ़ने का? अधिकार सबको है, आप शिक्षा ग्रहण करो। फिर विरोध क्यों? विरोध इसके लिए है उपवर्गीकरण और क्रिमिनल, यानी हमारा जो एससी का कोटा, एससी एसटी का, उस कोटे से आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले, अलग से आरक्षण दे। सीधे तौर पे कहा जा रहा है जिन लोगों की आय 8 लाख से अधिक है उन लोगों को नॉन क्रिमिनल से क्रिमिनल में भेज दिया जाए। उसमें क्या है कि आजकल हर व्यक्ति आईटीआर फाइल कर रहा है, आईटीआर फाइल करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को आरक्षण व्यवस्था से बाहर कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है सर, उसकी स्थिति नहीं है। सर, एक कमल कुमार मैडम, जिलाध्यक्ष मीणा महासभा चित्तौड़, अनुसूचित जाति जनजाति महासंघ का जिलाध्यक्ष हूँ और आज संपूर्ण भारत के अंदर जो बंद है उसी के तहत चित्तौड़गढ़ भी हमने आज बंद रखा है और मैं समस्त जो समाज है उनका, इसके अलावा जो चित्तौड़ के व्यापारी जिन्होंने हमारा समर्थन किया और पुलिस प्रशासन और समस्त प्रशासन का मैं सहयोग करना चाहूँगा कि आप लोगों ने आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने हमारा साथ दिया और जो लोग पहुँचे हैं उन सभी का आभार व्यक्त करूँगा। सरकार से आपने अभी क्या मांग रखी गई? आज जिला कलेक्टर ने जो ज्ञापन दिया गया है इसमें क्या मांग रखी गई है? सरकार से हमने ये मांग रखी गई है कि आप सरकार से कि जनसंख्या की जिंदगी की जाए, जितने भी जो लोग हैं उनकी वापस गणना की जाए और जितनी संख्या में हम लोग हैं उस संख्या में आरक्षण दिया जाए और आरक्षण की हम मांग ये बढ़ाया जाए।